सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पल्लवी, पल्लवी की वॉइस में आप लोग का स्वागत है। जब घर की बात घर तक ना हो कि सोशल मीडिया पे अगर आ गई तो वो घर घर नहीं कहलाता, वो घर तमाशा बन जाता है। और माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं कि बच्चा काबिल बनेगा और बहुत अच्छे से घर चलेगा, मगर आज के युग में सब चार पैसे क्या कमाने, मतलब ज़्यादा कमाने के चक्कर में, मतलब बहुत से, मैं हर यूट्यूबर को नहीं बोलती मगर कुछ यूट्यूबरों को बोलती हूँ कि घर के सोचते हैं कि और पैसा आए और घर का तमाशा बना देते हैं। जब घर की दो अलग जगह से दो बहुएं आ जाती ना, अगर वो घर को चाहे तो बचा सकती है, अगर घर को चाहे तो बिगाड़ सकती है। बहुत बिगड़े घर अगर दो घर की औरतें आती हैं तो बन जाता है, आपस में प्यार बढ़ जाता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगर वीडियो पसंद आती तो लास्ट में शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं निक्की का कल वीडियो जो देखी थी उनका रोने का, तो जो मर्दानगी वाले बात पे जो औरत उनको कमेंट की थी, तो मैं उनके सपोर्ट में बोली थी क्योंकि अगर औरतें लिमिट क्रॉस करती हैं तो मर्द भी कितना सहन करेगा। मर्द कोई वो नहीं है सहने की चीज़ है, मैं अभी भी वही शब्द बोलती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी निक्की को, अगर वो हमेशा नेगेटिव थंबनेल लगाएंगी, बार बार नेगेटिव चीज़ें दिखाएंगी तो वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत असर पड़ती है। अगर हम जैसा सोचते हैं ना, सेम वही चीज़ होती है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो मेरा ये कहना, आप लोग देख के सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप दो चार दिन लगातार किसी के लिए आपसे कितना भी नहीं बनता मगर उसके लिए सोचिए, नहीं वो मुझे प्यार करता है, मुझे मानता है, वो मेरे लिए अच्छा है, अच्छा होगा, तो वो चीज़ें घटित हमारे साथ होती। मैंने खुद अपने साथ ही ट्राई किया, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। मैं गारंटी के साथ देती, लिख के देती हूँ, वो चीज़ें प्रूफ हो जाएगी जो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जैसा सोचेंगे वही आपके साथ होगा। तो यहाँ पे कल मैंने निक्की का ब्लॉग देखा, पहले तो उनका थंबनेल इतना गंदा था, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करती थी कि इतना सब होने के बाद भी वो ऐसा थंबनेल लगाएंगी कि अब तो दूसरा किचन बनवाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगा, मुझे क्या, जो भी उनकी वीडियोस देखे होंगे, जो भी उनका वीडियो जाके देखे होंगे, सबको यही लगा कि शायद से वो लोग अलग हो गए और खाना अलग बनने के लिए ये सारा सामान निकाल के एक जगह पर रख दिए, घर का बंटवारा हो गया। हर एक इंसान को ऐसा ही लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। होली है, होली में सबके घर की सफाई होती है, तो वो सफाई करने के लिए चीज़ें निकाल के रखी हुई थी और वो थंबनेल ऐसा लगा दी कि अब तो दूसरा किचन बनवाना ही पड़ेगा। तो आप पब्लिक को खुद परोस रही हैं अपने घर का कि आओ आप लोग ऐसा कमेंट करो मुझे। कल की वीडियो पे आराम से निक्की लिख सकती थी कि घर की सफाई स्टार्ट हो गई, इतना छोटा किचन पड़ा, ये सभी चीज़ें लिख रही थी, मगर वो इतना गंदा थंबनेल खुद लगाई थी और दोस्त पब्लिक को देती है कि पब्लिक हमको ऐसा बोल रहा था, और दिखा रही थी कि सारा घर का काम मैंने किया और मैं थक के अब खाना बनाने वाली हूँ। साथ में एक रवीना नाम की लड़की, वो बहुत उन लोग का हेल्प करती है, शायद उतना एक बहू भी नहीं करे, होता है ना गरीब इंसान कितना भी कर दे तो उसका उतना नाम नहीं होता। वो अपना पूरा काम दिखा रही थी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, घर का सफाई कर रही हूँ, मैं एक मिनट नहीं बैठती, तो अच्छी बात है। पब्लिक का भी कहना रहता है, वो अपने मुंह से अपना बहुत तारीफ़ करती है और उनके हर वीडियो में दिखता है कि वो अपना तारीफ़ करती रहती हैं। बात किया जाए सासू माँ का, तो सासू माँ दोनों बहुओं को मुझे लगता है प्यार बराबर करती है, वो बहुत ज़्यादा सीधी है मेरे हिसाब से, जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा सीधी है। अगर वो टेढ़ी रहती ना तो ये जो घर का पंचायत तो लोग अपना यूट्यूब पे फैला के रखे ना, किसी को हिम्मत तक नहीं पड़ता। अगर वो एक कड़क लेडी रहती, एक मतलब कठोर दिल की रहती, तो किसी का हिम्मत नहीं उनके फैमिली का कि ये जो पंचायत रायता यूट्यूब पे फैला के पूरा उनका बदनामी करवा के लोग रख दे, दोनों बहुओं को मैं बोल रही हूँ। तो ये लोग खुद थंबनेल ऐसा ऐसा लगाते हैं और फिर पब्लिक को ब्लेम करते हैं कि मुझे ऐसा कमेंट कर दिया, मुझे ऐसा ये बोल दिया। तो आप लोग पहले अपना थंबनेल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं एक पर्सनल होके आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग खुद से रायता फैलाए हैं, किसी का इसमें दोस्त कोई, किसी का भी दोस्त नहीं है, बाहरी का खुद का जिम्मेदारी रहता है अपने फैमिली का क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, रखिए अपना ख्याल।